फायदा होगा लोगों का, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी खर्चा कैसे करता है बजट को आप देखिए, एक साल में एक खर्चा कैसे करेगा बजट का, ये खर्चा कर रहा है बजट का पेंशन में जितना टोटल आउटले है उसको खर्चा कैसे करेगा, पेंशन में 4% खर्चा करेगा पेंशन में, और जो स्टेट को स्टेट शेयर एंड स्टेट का जो ड्यूटीज है उसको देने में 18% खर्चा करेगा, और सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम है उसमें 17% खर्चा करेगा, देश का डिफेंस में प्रतिरक्षा विभाग में खर्चा करेगा 8%, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसमें खर्चा करेगा 9%। बाकी खर्चा कहाँ करेगा, बाकी जो बचा हुआ है 20% तो कहाँ खर्चा करेगा, वो 20% खर्चा करेगा जो लोन लिया है 34%, वो लोन का इंटरेस्ट, वो लोन का इंटरेस्ट देने में 20% खर्चा करेगा। तो आप देखिए बजट क्या है, ये बजट देखिए जनता को कैसे गुमराह करता है, दिखाने में बहुत बड़ा बजट दिखा दिया है लेकिन बजट का कुछ फायदा लोगों को पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितना आप बजट में 34% का लोन लिया है और जितना खर्चा होगा उसका सबसे ज्यादा हिस्सा 20% उसको आप खर्चा करेगा, सिर्फ लोन का इंटरेस्ट देने में आप खर्चा करेगा, तो लोगों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बजट सिर्फ वादा झुमला, ये बजट झुमला कुछ नहीं है। तो और कुछ बात है हम उस सब बोलने नहीं चाहता है, लेकिन अभी देखिए असम में असम का चीफ मिनिस्टर से बीजेपी ने जो हम लोगों को गुमराह करता है, तो इसीलिए लोग सब अभी समझता है, तो इसीलिए इस टाइम जो आप नागालैंड बोले या मेघालय बोले आप त्रिपुरा बोले, तीन स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का लोग अभी कोई भी हालत में बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीजेपी ने जो इनजस्टिस किया है नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए, बीजेपी ने जो स्टेट मादारली ट्रीटमेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, बीजेपी ने जो नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो डिप्राइव कर रहा है, अभी वो लोग बोलता है डबल इंजिन सरकार, डबल इंजिन सरकार, यही है क्या डबल इंजिन सरकार का नमूना, यही है। तो इसीलिए और बहुत कुछ है, अभी देखिए ये जो बजट लास्ट बजट जो बजट क्या है, बजट बजट तो ये बजट तो सिर्फ लोन लेना और लोन देना, उसके अलावा ये बजट कुछ नहीं है, जितना भी उसमें वो लोग वादा करो बजट में कुछ नहीं है। मैं आपको फिगर से आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बजट का इनकम जो बजट पेश किया है इस साल, बजट का इनकम कहाँ से कितना आता है, कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से बजट में आता है 15%, टोटल बजट का जो आउटले है उसमें इनकम टैक्स से आता है 15%, एक्साइज ड्यूटी से आता है उसमें 7%, जीएसटी से आता है 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 15%, ये मिला करके। लेकिन ये बजट का सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आता है, लोन से 34% आप लोन लेके आप 34% टोटल बजट का जितना आउटले है उसका 34% आप लोन लेके आप बजट का इनकम बनाता है। बीजेपी का सफाई अभियान हम यहीं से शुरू करें। দুটো আপনাদের স্টার ক্যাম্পেইনার আসার যে তালিকা সেটা একটু জানিয়ে দিলে ভালো। যেটা তো আমরা দিয়ে দিয়েছি না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টিভি আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো কালকে আসছেন, কালকে মিটিং হচ্ছে আপনার কর্তৃপদমরা, তারপরে আসছে এই যে অমরপুর, তারপরে যাচ্ছে সোনামুড়া, কালকে মিটিং হচ্ছে সোনামুড়াটা, হয়তো সময়ের অভাবে হয়তো আমাদের পোস্টপোন করে আমরা 13 তারিখ নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কালকে আসছেন। কালকে দেখিয়ে এই আই উল্লুকা নর্থ ইস্ট কে লিয়ে উল্লুকা এই প্রাথমিকতা হাই, তো ইসকে বাদ কোন সা রিজন হাই জো নর্থ ইস্ট কা লোক বিজেপি কো ভোট দেগা, ইতনা স্টেট মার্টার ট্রিটমেন্ট হাই। अभी आप देखिए
मैं एक फिगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, अभी इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम नॉर्थ ईस्ट का, ये देखिए कोई सपोर्ट नहीं करता, हम तृणमूल भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एक सेंट्रल एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो 2006 से ये एक्ट जब पहले का एक को सुपरसीड करके ये एक्ट जब एक्सेप्ट हुआ, तब 2006 से 2023 17 इयर्स कहां गया, कहां था, कहां घूम रहा था, नहीं देखा है 17 इयर्स, तुम्हारा पास में एक्ट है और वो एक्ट होने के बावजूद भी तुम नहीं देखा है चाइल्ड मैरिज हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। यही चीफ मिनिस्टर पहले कांग्रेस का जमाना में ये लॉन्ग टाइम हेल्थ मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था, उसके बाद अभी चीफ मिनिस्टर हुआ सर्वानंद सोनोवाल जब चीफ मिनिस्टर था उसका टाइम में भी ये था, तो आपको दिखाई नहीं देता असम में चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तब दिखाई नहीं देता। तो आज आपको असम में 2 फरवरी से आपने ब्रेकडाउन जो शुरू कर दिया, जब शुरू कर दिया इसमें कोई FIR नहीं है, कोई चाइल्ड मैरिज तो हुआ है, किसी ने किसी को FIR देने होगा ना, पुलिस पुलिस का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो आशा कर्मी ने जो हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड लिखा है माँ का एक जो लिखा है उसी हिसाब से सबको पकड़ा लिया है, उसका स्वामी को पकड़ा लिया है, उसका हस्बैंड को पकड़ा लिया है, जेल में डाल दिया है। अभी देखिए ये सारा देश से ये इस तरफ से ह्यूमन